शुजालपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां कृषि उपज मंडी में जमकर हंगामा हुआ है और किसान का व्यापारी पर मारपीट का आरोप लगाया है। व्यापारी का लाइसेंस निरस्त करने की भी मांग की गई है और किसानों ने मंडी के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया है। मौके पर पहुंची मंडी पुलिस अब जांच में जुटी है। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ते हैं शुजालपुर से हमारे सहयोगी दीपक सक्सेना जी के साथ। दीपक जी, बताइए क्या है पूरा घटनाक्रम? जी भावना, मैं आपको बताना चाहूंगा, शुजालपुर कृषि उपज मंडी में विवादों का हालांकि पुराना नाता रहा है, लेकिन आज उस वक्त भारी तनाव फैल गया जब एक किसान के साथ व्यापारी के द्वारा मारपीट की बातें सामने आई। किसानों ने भारी हंगामा करते हुए सचिव कार्यालय पहुंचे, जहां संबंधित दोषी व्यापारी का लाइसेंस निरस्त करने की मांग की है। आपको बता दें कि शुजालपुर कृषि उपज मंडी में व्यापारी है नवनीत विजयवर्गीय, जो गल्ले का व्यापार करते हैं, उनके ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने किसान के साथ गिलेबान पकड़ी है और मारपीट की है। उसी घटना से नाराज होकर किसानों ने जब मंडी प्रांगण का घेराव किया और भारी नाराजगी व्यक्त की है। मौके की सूचना मिलते ही मंडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। हालांकि कृषि उपज मंडी के रूप में प्रशासक के रूप में एसडीएम होता है, एसडीएम सत्येंद्र सिंह को भी फोन लगाया गया है, अभी फिलहाल एसडीएम पहुंचे नहीं है। फिलहाल वर्तमान में भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। किसानों का कहना है कि संबंधित जो दोषी किसान है उसका लाइसेंस निरस्त हो, उसके बाद ही किसान अपना आक्रोश खत्म करेंगे। भावना जी, ये इस तरह की कोई घटना पहले भी सामने आ चुकी है या पहली घटना है ये? निश्चित भावना, शुजालपुर कृषि उपज मंडी का नाता जो है विवादों से घिरा रहा है। कभी व्यापारी और हमालों के बीच विवाद, कभी व्यापारी और चुनावियों के बीच विवाद, कभी मंडी प्रशासन व व्यापारियों के बीच विवाद। इसी तरह से एक जमाने में शुजालपुर कृषि उपज मंडी मध्य प्रदेश की नंबर वन मंडी हुआ करती थी, लेकिन आज इस मंडी में लगभग अधिकांश किसानों का यहां से विश्वास उठ चुका है, क्योंकि जिस तरह के विवाद आए दिन सामने आते हैं उससे मंडी की छवि भी खराब हुई है। साथ में जो शुजालपुर नगर का मुख्य बाजार है वो कृषि उपज मंडी के ऊपर ही आधारित है, लेकिन इस तरह के विवादों के चलते कहीं ना कहीं अब किसान कम संख्या में यहाँ पहुंचने लगा है, जिससे व्यापार भी मंडी का प्रभावित होने लगा है। वास्तव में इस तरह के विवादों में अच्छा व्यापारियों का दबे पांव एक बात और कहना है कि यहाँ पर जो बिचौली है वो यहाँ पर आकर विवाद की स्थिति निर्मित करते हैं, तो इसमें मंडी प्रशासन को सख्ती से इस मामले पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि आखिर बिचौलिए कौन है और किस तरह का इसमें विवाद होता है। आज भी जो किसानों की नाराजगी, उनका कहना है कि अगर इसी तरह से, क्योंकि किसान एक अन्नदाता होता है, बड़ी मुश्किल से वो फसल पैदा करता है और बेचने के लिए मंडी प्रांगण पहुंचता है, और उसके साथ अगर मारपीट जैसी घटना हो तो जो बाकी देश का प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो वो भी इस घटना का निंदा ही करेगा, क्योंकि किसानों के साथ मारपीट नहीं होना चाहिए। भावना, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आए दिन होते विवादों के बाद भी क्या कृषि मंडी प्रशासन जो है वो कुछ इस पर नहीं कह रहा है, मंडी प्रशासन ने अभी तक इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? निश्चित सच्चाई सब जानते हैं, मंडी प्रबंधन भी जानता है, प्रशासनिक अधिकारी भी जानते हैं और व्यापारी भी जानते हैं कि इसमें बिचौलियों का खेल ही एक ऐसा खेल चल रहा है जो कहीं ना कहीं इस मंडी तनाव को उत्पन्न कर रहा है। लेकिन आखिर क्यों सब सच्चाई जानने के बाद में मूक दर्शक बने हुए हैं, और इन सब की मूक दर्शक के कारण ही व्यापारी को मार खाने जैसी घटना से रूबरू होना पड़ता है। भावना जी, किसानों ने मंडी के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया है, आगे किसान क्या चाहते हैं, क्या मांगे हैं किसानों की, और आगे इस पूरे घटनाक्रम पर किसानों ने क्या कोई किसी तरह की एफआईआर दर्ज कराई है? किसानों की ये छोटी सी मांग है, किसानों का आक्रोश है कि फिलहाल मंडी का घोष विक्रय बंद रखें, तब तक बंद रखें जब तक व्यापारी का लाइसेंस निरस्त नहीं होता। लेकिन उधर मंडी सचिव का दूरभाष पर कहना है कि लाइसेंस इतनी जल्दी निरस्त नहीं किया जा सकता, 3 दिन उसको चेतावनी दी जाती है, उसके बाद में एक विचारणीय बातचीत होती है, उसके बाद में लाइसेंस निरस्त होता है। हालांकि अभी ये किसान और व्यापारी के बीच का विवाद किस ओर जाएगा फिलहाल एसडीएम के आने के बाद ही पता लगेगा। भावना जी, तो ये शुजालपुर से इस वक्त की बड़ी खबर थी, जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।